नमस्कार, आप सभी के स्टडी मेंटर में स्वागत है। जैसा पिछला वीडियो हमने कल देखा था और इस पे पहले भी वीडियो आई थी कि जो सीट्स हैं बीपीएससी के 64th एग्ज़ाम को लेकर कि कितनी सीटें होंगी, इस पे हम ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें किए थे पहले भी, और उसमें हमने ये बातें स्पष्ट की थी कि 1000+ तो सीटें आनी ही आनी हैं। तो अब नोटिफिकेशन जबकि आ चुका है तो इसमें टोटल सीट्स की संख्या जो 1255 रखी गई है, और काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम सभी के लिए कि 1255 सीट्स बीपीएससी के द्वारा निकाला गया, जो कि एक हिस्टोरिकल जो है एक तरह से कहा जाए तो सीटों की संख्या के मामले में एक हिस्टोरिकल स्टेप है। इतनी ज़्यादा सीटें बहुत रेयर केसेस में मैंने तो नहीं देखा बीपीएससी में कभी भी, क्योंकि मान लीजिए कि 53 और 55 में मान क्या लीजिए उतना तो था ही, 53 से 55 जो इसके पहले हुआ था 2011 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 10-11 में वो आई थी, 13 में कंप्लीट हुई थी, उसमें जो है 950 के आसपास या 1000 के आसपास सीटें थी कुछ, हाँ वही थी 900 समथिंग या 1000 यहीं कुछ थी। और इतनी सीटें, मानता हूँ कि बहुत सी बातें इसे लेके मार्केट में है कि इसमें अच्छी सीटें नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि चूंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन है, आपको कोई सा भी पोस्ट मिलेगा तो वो अपने डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होगा, चाहे वो कोई सा भी पोस्ट मिले, ठीक है। चूंकि ये कमीशन्स का पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि इसके माध्यम से आपको एक क्लर्क बनाया जाएगा, तो ये सभी जो 19 प्रकार के पोस्ट्स हैं इसमें, आप देखिए इसको, अपने डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप bpsc.bih.nic.in पे जाइए और वहाँ से जो है इसे डाउनलोड कीजिए। टोटल 1255 सीट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये टोटल सीट्स हैं। अगर हम कुछ सीट्स की बात करें, जैसे इस वीडियो में हम देखिए क्रमबद्ध रूप से हम 4-5 चीज़ों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों को हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं ताकि जो है सिस्टमेटिक वे में देखने से ये होगा कि बातें हमें बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो सीट्स हैं उसे लेकर, नोटिफिकेशन की तो हमने बात कर ली, अब हम सीट्स की बात करेंगे। सीट्स के बाद हम आएंगे कि एज और योग्यता क्या रखा है उनके, ठीक है। उसके बाद जो है हम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करेंगे कि आप कैसे आवेदन कीजिए या क्या उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शनल पे भी हम एक जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं, कल तक लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं मतलब जो हमारा ग्रुप है बीपीएससी मेंटर, वहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं या ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि सर ऑप्शनल क्या चेंज हो सकता है मेंस के समय। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी आप ऑप्शनल ले रहे हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत आराम से कूल होकर एकदम ऑप्शनल लीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में पछताने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, क्योंकि वो चेंज नहीं करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये इस पर मैं कल वीडियो लाऊँगा, क्योंकि ऑप्शनल पे कल वीडियो लाऊँगा। आज एक तो ये हम करेंगे और साथ ही बुक्स पे जो है कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए उस पे एक वीडियो भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में अवेलेबल करा दी जाएगी, और वहाँ से आप जाकर करा दी जाएगी, मतलब तुरंत मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप नीचे जाकर उसे जो है देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं, चलिए उसे हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा टिक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे बीपीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी आपको मिलता रहेगा। बीपीएससी के लिए हमारा एक ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, आप डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, बीपीएससी मेंटर ग्रुप। तो इसको आप फेसबुक पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बीपीएससी मेंटर सर्च मारेंगे तो 22,000 से ज़्यादा मेंबर्स है, केवल एक साल हुआ है इस ग्रुप का और काफ़ी अच्छा ग्रुप है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसकी लिंक भी मैंने नीचे दे दी है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ पोस्ट की हम बात करेंगे, सबकी नहीं कर सकते, इतना 19 प्रकार का पोस्ट है। एक तो डिप्टी एसपी का है, ये तो आपको पता ही है कि इसमें दो तरह का होता है, एक तो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बोला जाता है, जब उन्हें अनुमंडल मिलता है डिप्टी एसपी जो मतलब बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं गृह विभाग, जो एक नंबर पे इसमें दिया हुआ है, तो जब इन्हें अनुमंडल मिलता है तो इसको एसडीपीओ बोलते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, तो इसका 5400 ग्रेड पे होता है, ठीक है। और
ठीक है, ये ठीक है, इतना काफ़ी इसके लिए। काराधीक्षक है मतलब कि जेल पदाधिकारी होता है, जेल जो सेवा होती है जेल में, जो भी कैदी हैं उनके रख रखाव से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित कार्यों को ये देखता है। वाणिज्य कर पदाधिकारी का मतलब है कि CTO कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, 5400 ग्रेड पे की ये भी पोस्ट है, और ये जो है टोटल 3 सीट है। और ये अभी इसमें जो है ये मतलब BPSC के टॉप 3 पोस्ट में ये भी आता है, मतलब कि बिहार पुलिस सेवा SDM, और ये SDM इसमें नहीं है, शायद मैं भी बाद में ऐड करें या नहीं भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जॉब लेने से मतलब है। इसमें कोई सा भी जॉब अगर मिलता है तो आपको 4200 या 4800 या 5400 ग्रेड पे की जॉब है सभी, और सभी अपने अपने जगह का सबसे सुपीरियर पोस्ट में से एक होता है। ठीक है, तो एक तो वाणिज्य कर पदाधिकारी है, ठीक है। उसके बाद है अवर निबंधक मतलब कि रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवर निर्वाचन पदाधिकारी है, ये निर्वाचन से संबंधित कार्यों को देखता है। नियोजन पदाधिकारी है, ये प्लानिंग अफसर बोलते हैं इसे। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ये जो है कैग टाइप की एक संस्था होती है जो जिले की जो खर्च है, आय है, व्यय है, उसका एक मूल्यांकन करने में सहायता करता है। उसके बाद है रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार है, ये सहयोग समितियों का है। प्रशाखा समिति है, एक ये एक नया पोस्ट है जो कि शायद पहले BPSC के थ्रू नहीं जब बल्कि बिहार SSC के थ्रू ही आता था, तो ये बिहार विधानसभा में इसका कार्य होता है। ये 25 सीटें हैं टोटल, जनरल की 13 सीटें हैं। जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी होता है, ये 5400 ग्रेड पे की ये भी पोस्ट है। कुछ पोस्ट की डिटेल नहीं दी गई है इसलिए मैं उनका ग्रेड पे नहीं बता सकता, लेकिन ये तो आप श्योर रखो कि मोस्टली सभी का 4800 होगा मिनिमम। जो 5400 है जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 5400 ग्रेड पे होता है। उसके बाद है बिहार प्रोबेशनरी सेवा, ठीक है, तो इसका जो है 4800 है एवं बाद में जो है 5400 ग्रेड पे हो जाता है, या लिख मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। तो ये जेल से संबंधित एक पदाधिकारी होता है, जेल में जो बेल की प्रक्रिया होती है या जो भी उसके कार्य होते हैं, कागज़ से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, कानूनी प्रक्रिया से संबंधित, उसका ये कार्य करता है। उसके बाद है गन्ना विकास पदाधिकारी, ये तो आपको पता ही है, सहयोग निदेशक सामाजिक सुरक्षा समिति, ठीक है। उसके बाद है 14 पे ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ये आपको पता ही है, RDO अर्थात BDO इसे बोलते हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है, ये जो है वर्कर से संबंधित डिपार्टमेंट में काम करता है। राजस्व पदाधिकारी, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं 571, इसको CO बोलते हैं, सर्किल अफसर, जो BDO के साथ प्रखंड स्तर पे कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ये पहले SDM को ही इसका कार्यभार दिया जाता था, अब इसे अलग करके एक पोस्ट बनाया गया है। ये जो जिले का या जो ब्लॉक्स हैं उसमें जितने जो अन्न का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो खाद्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि क्या कह सकते हैं इसे, जो क्या बोलते हैं इसे, जो लोगों को जो है अवेलेबल कराया जाता है धान गेहूं गांव में जो सस्ते दामों पे, उसकी आपूर्ति के काम अनाज का वो ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद प्रखंड स्तर पे एक नया पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है, इसको भी रखा गया। तो ये टोटल 19 प्रकार के पोस्ट हैं जिसमें 1255 सीटें दी गई हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम करते हैं कि जो सीट्स की बात हमने कर ली, योग्यता और एज की बात करते हैं। तो इन्होंने जो दिया है क्राइटेरिया उसमें तो एक तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन उन्हें कंप्लीट चाहिए, आपका रिजल्ट आ चुका हो। और दूसरी बात कि एज जो है आपका 20 साल मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि DSP के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपका 20 साल तो मिनिमम होना चाहिए। अगर 20 केवल 20 साल है और हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है जनरल में, 162 सेंटीमीटर शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है एज हाइट के मामले में, तो 20 साल से ऊपर है तो आप फॉर्म, और आपकी रिजल्ट आ चुकी है ग्रेजुएशन की, तो डेफिनेटली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता में आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा है। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो उम्र सीमा इन्होंने 1 अगस्त 2018 को माना है, जो डेट है लास्ट वो, मतलब कि इतना एज आपका मिनिमम होना चाहिए, 20, 21, 22 जो भी आपका हो रहा है, लेकिन 1-8-2018 के बाद, मतलब इस डेट में कंप्लीट हो गई हो आपका 20 साल, चलिए इससे पहले कंप्लीट हो गई हो। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि
आवेदन की प्रक्रिया का, तो इसमें मैं सबसे पहले ये आपसे कहूँगा कि अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं करें। हर साल कम से कम 10,000 लड़कों का, 20,000 लड़कों का जो आवेदन है वो रिजेक्ट होता है। तो ये गलती, गलती से भी ये गलती ना करें। अगर आप एक गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप दौड़ते रहना बीपीएससी के पास, कुछ नहीं होना है, वो कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हर साल ऐसे बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, फॉर्म खुद से भरने बैठ जाते हैं, फ़ोन नहीं चल रहा है या कुछ ना कुछ हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आपको फॉर्म जो है उसको, उसे भरने की प्रक्रिया साइबर कैफ़े से जाकर, किसी अच्छे साइबर कैफ़े से जाकर फॉर्म फिलअप करें, फिर उसके बाद जो है उसमें बैंक का जो डिटेल होता है पेमेंट का उसको अपडेट भी करना होता है। उसको अपडेट करने के बाद फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो उसे ये नहीं कि फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद उसको जो जर्नल नंबर होता है, एक जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन नंबर भी बोलते हैं उसे, वो अपडेट ज़रूर करा लीजिएगा। वो अपडेट कराना होता है। अगर नहीं कराया, फिर आपका फॉर्म अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर बाद में आप दौड़ते रहना, कुछ नहीं होना है। बीपीएससी कुछ नहीं करेगी इस मामले में, आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। फ़ी जो है इन्होंने 600 रुपये रखा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और महिला उम्मीदवारों के लिए 150 है, यहाँ पे मेंशन की हुई है, महिला उम्मीदवारों और SC ST और विकलांगों के लिए 150 है, बाकी सबके लिए 600 रुपये हैं, ठीक है। तो फॉर्म को जो है कंप्लीट करके भेजने की प्रक्रिया स्वयं करें, जाकर कहीं पे पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करें, उसके साथ कागज़ मिलेगा और उस कागज़ से आप स्टेटस चेक कर लें कि आपका जो है फॉर्म पहुंचा या नहीं पहुंचा बीपीएससी के पास। और ये चीज़ें लास्ट में बिल्कुल मत कीजिएगा, 8-10 के आसपास सारी चीज़ें कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। 8-10 तक फॉर्म भर के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड, और आप इसको आराम से पढ़िए। 150 नंबर का प्रीलिम्स है। ऑप्शनल पे उतावलेपन से कोई भी ऑप्शनल जोश में या किसी को देख कर बिल्कुल मत लीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, जिसमें आप अच्छी पकड़ रखते हो, उसके प्रीवियस पेपर्स को देखिएगा, उसके बाद जो है ऑप्शनल डिसाइड कीजिएगा। तो ऑप्शनल पे मैं कल एक वीडियो आपको दूंगा कि ऑप्शनल एक बेहतर ऑप्शन कैसे चुनना चाहिए, ठीक है। तो उसी अनुसार पे आपको अपना विषय लेना है। उतावलेपन से बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में जो है मेंस के समय आप दौड़ते रहिएगा, कुछ नहीं होगा, ऑप्शनल वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इन्होंने बता दिया है कि 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 24 तक आप पेमेंट करेंगे और 31 तक जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है किसी चीज़ को मैं गलत बता पाया हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में, या इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आराम से उसके बाद जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, और आप हमारे ग्रुप बीपीएससी मेंटर को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होना है आपको। नीचे मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन दे दी है, उसकी लिंक दे दी है, आप उसे ज्वाइन करें जल्द से जल्द, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं हम लोग, 2-3 अलग 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 वीडियो जो कि बुक से रिलेटेड होगी और ऑप्शनल आप सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी उसे लेकर, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।